आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज व्हिच फेस ऑफ केल्विन साइकिल डज नॉट यूज एनी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। तो केल्विन साइकिल का कौन सा ऐसा फेस है जहाँ पर हमारे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स यूज नहीं होंगे? कार्बोक्सिलेशन फेस, कार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, रिडक्शन ओनली। तो केल्विन साइकिल के अंदर मेन हमारे तीन फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेस कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड फेस रिडक्शन एंड थर्ड फेस हमारा रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे डायग्राम देखेंगे साथ साथ। फर्स्ट फेज कार्बोक्सिलेशन, तो इस फेज के दौरान हमारा CO2 का फिक्सेशन होता है। एक्सेप्टर कौन होगा? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और इससे फॉर्म होगा हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो फर्स्ट स्टेप के दौरान हमारा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ है, कोई भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हमारा यूज़ नहीं हुआ है कार्बोक्सिलेशन के दौरान। सिंपल क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन और 3-फॉस्फोग्लिसरेट हमारा फॉर्म हुआ है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड स्टेप देखें हम, रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारी ATP यूज़ होगी, NADPH यूज़ होंगे, मतलब जो लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर यूज़ होंगे, और हमारी क्या फॉर्म होगी, ट्रायोज फॉस्फेट फॉर्म होगी। देन थर्ड स्टेप हमारा रीजनरेशन, यहाँ पर क्या होगा, जो RUBP है उसको हम रीजनरेट कराएंगे, और इसके लिए भी हमारी ATP की ज़रूरत होगी। तो रिडक्शन में हमारे रिडक्शन के स्टेप के लिए हमारे 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं और 2 NADPH के मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं, तो रिडक्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हमारे यूज़ हुए हैं। तो फोर्थ, थर्ड और सेकेंड तीनों में रिडक्शन दिया गया है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।